to Rising Suns Academy. तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज है 20 मई 2021 और हम देखेंगे 20 मई का करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, आपके लिए करंट अफेयर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए करंट अफेयर का ये सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 13 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 18 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 मई। 18 मई को मनाते हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाते हैं? 18 मई को। 1998 में पहली बार ये मनाया गया था विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। क्यों मनाया जाता है? इस दिन को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर संबोधित किया जाता है। इसका मकसद है HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV की जो वैक्सीन है उसकी ज़रूरत को जो है बताना, उसकी ज़रूरत के लिए जागरूकता बढ़ाना, लोगों को बताना कि HIV संक्रमण से कैसे बचा जा सके, इसलिए इसकी वैक्सीन लगवाएं। तो HIV वैक्सीन दिवस मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में, हर वर्ष मनाते हैं 18 मई को, 1998 में पहली बार मनाया गया, तो ये डेट याद रखिए। और विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को होता है एड्स दिवस, तो ये भी आप याद रखिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 18 मई। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में COVID-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50,000 रुपये। तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि राजधानी में COVID-19 से अगर परिवार की किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी ने एक और घोषणा की है, उन्होंने बताया है कि अगर किसी परिवार के माता पिता की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से, तो उन माता पिता के उनके बच्चे जो हैं उनको हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे, यानी बच्चों को प्रति माह 2,500 रुपये की राशि दी जाएगी, जो कि कोविड के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए हैं। और जो ये राशि है, ये राशि बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें मुफ्त में शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो ये भी दिल्ली की सरकार ने घोषणा की है। अच्छा, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश की सरकार भी कोरोना की वजह से बेसहारा हुए बच्चों के लिए 10 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएगी, 10 लाख रुपये की FD कराएगी, और इन 10 लाख रुपये पर जो ब्याज की राशि होगी वो हर वर्ष हर महीने बच्चों को प्रदान की जाएगी, या फिर बच्चे के अभिभावक जो उनकी देखभाल कर रहे होंगे उनको प्रदान की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार करवाने वाली है 10 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD, और दिल्ली की सरकार देने वाली है बच्चों को 2,500 रुपये की राशि हर महीने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 50,000 रुपये। और ये 50,000 रुपये किसी भी परिवार को दिए जाएंगे, यानी कि किसी भी सदस्य की मृत्यु, किसी एक सदस्य की मृत्यु भी परिवार में हुई है तो उसको मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स
के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है? ऑप्शन है 3,50,000 रुपये, ऑप्शन बी है 1,50,000 रुपये, ऑप्शन सी है 5,50,000 रुपये और ऑप्शन डी है 2,50,000 रुपये। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2,50,000 रुपये। तो जोसफ जेम्स जो कि एशियाई स्वर्ण पदक विजेता हैं, इनको दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत खेल मंत्रालय जो है वो देगा 2,50,000 रुपये की राशि। ये एशियाई स्वर्ण पदक विजेता हैं 2006 के एशियाई खेलों में और 2008 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीता था। तो आपको याद क्या रखना है, इनका स्वर्ण पदक भी याद रखना है, 2006 और 2008 में मिला था। इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, इनका नाम जोसफ जेम्स। तो जोसफ जेम्स जो है पावर लिफ्टर हैं, तो ये पावर लिफ्टिंग से संबंध रखते हैं, इनके खेल का नाम है पावर लिफ्टिंग। आपसे पूछ सकते हैं कि इनका नाम देखकर कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। और अभी इनको दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत 2,50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है? ऑप्शन से सरकारी सामाजिक जो व्यय है और अधिकारिता मंत्रालय, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसके बाद है गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सेकेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक व्यय और अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक व्यय और अधिकारिता मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन है वो शुरू की है। एल्डर लाइन से ही आप समझ जाओगे कि ये वृद्धजनों के लिए है और ये टोल फ्री है, यानी कि फ्री में हेल्पलाइन रहेगी। क्यों है ये? ये इसलिए है कि जो भी वृद्धजन होंगे, तो अगर इन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, दवाइयों की आवश्यकता होगी या फिर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो इस नंबर पर कॉल करके, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता मांग सकेंगे। ठीक है, तो सामाजिक व्यय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है एक टोल फ्री हेल्पलाइन, किसके लिए? वृद्धजनों के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? ऑप्शन है 200, 125, 186 या फिर 120। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 186। 186 जो एलिफेंट से उनकी मृत्यु हुई है, कैसे? ट्रेन की चपेट में आने से, जो ट्रेन चलती है उनकी चपेट में आने से 186 हाथियों की मृत्यु हो गई है। कब से कब तक? 2009-10 और 2020-21 के मध्य। तो पूरे भारत में इतने अधिक संख्या में हाथियों की मृत्यु हो गई है ट्रेन की चपेट में आने से, ये बताया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या में असम में 62 हाथियों की मृत्यु हुई, असम में कितने? 62 हाथियों की मृत्यु हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 57 यानी कि 57 हाथियों की मृत्यु हुई, इसके बाद उड़ीसा में 27 हाथियों की मृत्यु हुई। और रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की जो मौत है उसको रोकने के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, ताकि ये जो मौतें हैं, ये जो मृत्यु होती है हाथियों की, इसको कम किया जा सके। और ये जो आंकड़ा है, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी हाल ही में जारी किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 186। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक रेल की ये जो ट्रेन की चपेट में आने से हाथियों की मृत्यु किस स्टेट में होती है, तो असम में होती है। आपको असम का नाम याद रखना है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम याद रखना है और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। इसके बाद आपसे आप मेंस में भी इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट की PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस में आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 186। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपके लिए, ईरान ने हाल ही में फरजाद वी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? ऑप्शंस है नेपाल, रूस, भारत या फिर चीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो ईरान ने पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद वी गैस फील्ड में भारत के हाथ से ही निकल गया है। तो फरजाद वी गैस फील्ड एक प्लांट था जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाना था। ये ठेका जो है पहले भारत की कंपनी के पास था। यहाँ पर भारत की ये जो गैस फील्ड है, फरजाद गैस फील्ड, इसकी जो खोज है भारत की ही कंपनी ONGC ने की थी। ठीक है, ONGC जो विदेश लिमिटेड है उसने ही इसकी खोज की थी, इस गैस फील्ड की खोज की थी। लेकिन इसका जो उत्पादन है, इसको जो डेवलप करने का ठेका है, वो अब ईरान की स्थानीय कंपनी के पास चला गया है। तो ईरान की एक स्थानीय कंपनी है पेट्रोपार्स ग्रुप, इसके पास ये ठेका चला गया है भारत से, अब इसको ले लिया गया है वापस। तो ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना का जो है उससे बाहर किया है भारत को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या फिर अहमदाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेजन इंडिया द्वारा किस नाम से वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है मिनी टीवी, अमेजन टीवी, स्मॉल टीवी या फिर यूनिक टीवी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनी टीवी। तो हाल ही में अमेजन इंडिया ने मिनी टीवी के नाम से वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च कर दी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्व राज्य जो रक्षा राज्य मंत्री हैं वह भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया? राजीव सातव, रवनीत सिंह बिट्टू, ऑप्शन सी है उदित राज और ऑप्शन डी है चमन लाल गुप्ता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमन लाल गुप्ता। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का भी हाल ही में निधन हो गया है। चमन लाल गुप्ता का जन्म जम्मू में ही हुआ था और 1972 में जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसके सदस्य बने थे। 2008 से 2014 तक ये विधानसभा के सदस्य भी रहे और दो बार जम्मू कश्मीर में BJP के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चमन लाल गुप्ता का हाल ही में हो गया है निधन। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये BJP की पार्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं राजेंद्र सिंह जडेजा, RP सिंह, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, राजेंद्र सिंह जडेजा। तो ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये रेफरी के रूप में भी काम कर चुके थे, राजेंद्र सिंह जडेजा। नाम याद रखना है, किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। तो याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की है? DRDO, भारत बायोटेक, इसरो या फिर ICMR।